दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी कि ई बाइक्स के बारे में। इंडिया में ई बाइक्स काफी सालों से है, पर पिछले एक दो साल के अंदर उनमें काफी ज्यादा रिवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि पहले की जो ई बाइक्स आती थी उनमें पावर कम था, रेंज भी कम थी, और आजकल जो ई बाइक्स आ रही है उनमें काफी ज्यादा पावर है और रेंज भी आपको वो काफी अच्छी दे देते हैं। तो इस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। ये आपको चलाने में भी काफी सस्ती पड़ती है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको ये बाइक्स खरीदने के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये इको फ्रेंडली है यानी कि जीरो इमिशन, कोई भी पॉल्यूशन ये बाइक्स नहीं फैलाती है। तो दोस्तों अगर आप एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और पूरा दिन बाइक चलाते हैं तो ई बाइक्स आपको काफी ज्यादा फायदा करा सकती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपको लॉन्ग रन में कैसे फायदा करा सकती है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। हम एक तरफ पेट्रोल बाइक लेंगे और एक तरफ इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे, और दोनों को चलाने का खर्चा कंपेयर करेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी सस्ती पड़ेगी। और इसमें भी दो तरीके से कंपेयर करेंगे। अगर आप नई बाइक खरीदना चाहते हो तो पेट्रोल बाइक लेंगे तो फायदा पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे तो फायदा पड़ेगा। और अगर आपके पास पहले से ही पेट्रोल बाइक है तो उसके साथ ही कंटिन्यू करना है, या फिर उसको अपग्रेड करके ई बाइक लेना फायदेमंद है। दोस्तों पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास कोई बाइक नहीं है, आपको नया खरीदना है। तो ऐसे केस में अगर आप एक पेट्रोल बाइक खरीदते हैं तो वो आपको करीबन 80,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगी, और उसके सामने अगर आप एक ई बाइक खरीदते हैं तो वो आपको सब्सिडी काटने के बाद करीबन 1,00,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगी। तो ये तो आपका इनिशियल खर्चा हो गया। उसके बाद आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कितना करते हैं उसका अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए आप एवरेज रोज की 10 ट्रिप करते हैं, उसमें कभी आपको 5 किलोमीटर की ट्रिप मिलेगी, कभी 7-8 किलोमीटर की, कभी 10 किलोमीटर की ट्रिप मिलेगी। तो एवरेज 7 किलोमीटर मान लेते हैं, तो आपका डेली यूज हुआ 70 किलोमीटर। अब एक पेट्रोल बाइक की माइलेज की बात करें तो वो आपको 55-60 किलोमीटर पर लीटर मिल सकती है, और पेट्रोल का रेट मान लीजिए 100 के आसपास है। तो 50 किलोमीटर की माइलेज के हिसाब से 1 किलोमीटर का हुआ 2 रुपया, यानी रोज का 70 किलोमीटर के हिसाब से आपका खर्चा हुआ 140 रुपए। अब मान लीजिए आप महीने के अंदर 25 दिन काम करते हैं तो उस हिसाब से आपका महीने का खर्चा हुआ 3,500 रुपए, और उसी तरीके से अगर साल का हिसाब करें तो आपका पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा 42,000 रुपए। अब सेम किलोमीटर गिन के ई बाइक की बात करें तो ई बाइक को फुल चार्ज करने में अंदाजन 3 यूनिट का खर्चा लगता है, यानी कि 3 यूनिट बिजली जाती है, और यूनिट का 6.5-7 रुपए के हिसाब से 20 रुपए में आपकी ई बाइक की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है ओला इलेक्ट्रिक को, जो कि आपको आराम से 1,00,000 रुपए में मिल जाएगी, और वो आपको फुल चार्ज में 120 किलोमीटर की रेंज देगी, यानी कि यहाँ पर आपका 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्चा 20 पैसे के आसपास होगा। तो 70 किलोमीटर रोज का यानी कि 14 रुपए रोज का खर्चा हुआ, और अगर 25 दिन की बात करें तो आपका 1 महीने का खर्चा हुआ 350 रुपए, और यही साल का खर्चा गिने तो होता है 4,200 रुपए। यानी कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल बाइक में जितना खर्चा हो रहा है उसका सिर्फ 10% हिस्सा, यानी कि 10% खर्चा आपका ई बाइक में हो रहा है। तो अभी हम ओनरशिप की बात करते हैं, यानी कि कितने साल आप गाड़ी चलाएंगे तो आप बेनिफिट में आएंगे अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक को कंसीडर करते हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपको पेट्रोल बाइक पड़ती है 80,000 रुपए की, और उसे 1 साल तक चलाने का खर्चा आपका होता है 42,000 रुपए, यानी कि टोटल हो गया 1,22,000 रुपए। और उसके सामने अगर इलेक्ट्रिक बाइक की बात करते हैं तो वो आपको 1,00,000 रुपए में पड़ जाती है, और उसे चलाने का खर्चा 1 साल का होता है 4,200 रुपए, यानी कि टोटल हो जाता है 1,04,200 रुपए। तो आपको पहले ही साल में 17,800 रुपए का फायदा हो जाता है। और इसी तरीके से दूसरे साल की बात करें और उसके बाद आने वाले सालों की बात करें तो आपको हर साल 37,800 रुपए, यानी कि हर महीने 3,150 रुपए की बचत होती है अगर आप एक नई बाइक लेना चाहते हैं और आप पेट्रोल बाइक की जगह ई बाइक खरीदते हैं। तो अब दोस्तों दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें पहले से ही आपके पास पेट्रोल बाइक है और आप उसे अपग्रेड करते हैं एक ई बाइक के साथ, तो क्या होगा। तो ये केस में मान लीजिए आप एक ई बाइक खरीदते हैं जो कि 1,00,000 रुपए की है, और आप अपनी पेट्रोल बाइक को बेच देते हैं और उसके आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक बाइक पड़ जाती है 80,000 रुपए की, और पेट्रोल बाइक में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पेट्रोल भराना है और चलानी है। तो ये आपका इनिशियल खर्चा हो गया। अब जैसे पहले कैलकुलेशन की थी हमने, उस तरीके से इसमें भी करके देख लेते हैं। तो पेट्रोल बाइक के साथ फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपको सिर्फ पेट्रोल भराना है और बाइक चलानी है, तो पहले जितना खर्चा हो रहा था 42,000 रुपए सालाना, उतना ही खर्चा अभी होगा। अब अगर फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो वो आपको 80,000 की पड़ी और उसको चलाने का खर्चा हुआ 4,200 रुपए, यानी कि टोटल खर्चा हो गया 84,200 रुपए। तो इस केस में आपको फर्स्ट ईयर में नुकसान है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। इसमें पेट्रोल बाइक में आपको फर्स्ट ईयर में 42,000 खर्चा हुआ, सेकंड ईयर में भी मान लेते हैं उतना ही हुआ। यहाँ पर दोस्तों हम कोई भी मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली फ्यूल भराना है या बैटरी को चार्ज करना है
और बाइक चलानी है। अगर मेंटेनेंस को भी कंपेयर करने जाएंगे तो आपको पता ही है कि पेट्रोल बाइक का मेंटेनेंस ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें कंबशन इंजन होता है, टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ता है और बाकी काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ रनिंग कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का 42,000 और सेकंड ईयर का 42,000, टोटल हुआ 84,000। अब अगर ई बाइक की बात करें तो फर्स्ट ईयर का हुआ 84,200 रुपए और सेकंड ईयर का हुआ सिर्फ रनिंग का खर्चा यानी कि 4200 रुपए, तो टोटल हो गया 88,400 रुपए। तो सेकंड ईयर तक भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर थर्ड ईयर से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा। जैसे कि थर्ड ईयर में आपको पेट्रोल बाइक में वही 42,000 का खर्चा होगा और पहले का खर्चा मिला के टोटल हो जाएगा 126,000 रुपए, और ई बाइक में पहले का खर्चा मिला के 4200 रुपए ऐड करके टोटल हो जाएगा 92,600 रुपए, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके थर्ड ईयर में ही 33,400 रुपए बच जाएंगे, यानी कि आपकी ई बाइक खरीदने का जो खर्चा हुआ है आपका 80,000 रुपए, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा और उसके बाद आपको फायदा होना भी शुरू हो जाएगा। और फोर्थ ईयर से तो आपको पहले के जैसे हर महीने 3150 रुपए बचत भी चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से ई बाइक खरीदना आपके लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी है या फिर पेट्रोल बाइक के साथ ही जाना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।